हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये ऑप्टिकल फाइबर का 4.3 लेक्चर है। टाइप ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर हम लास्ट टाइम कर रहे थे। एटोनेशन कर लिया था और डिस्पर्जन रह गया था, तो डिस्पर्जन आज कंप्लीट हो जाएगा तो ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो और आएगा, इसका दो वीडियोज आएंगे न्यूमेरिकल्स के, एक्सेप्टेंस एंगल और पावर लॉस और एक वी नंबर। तो तीन तरीके के न्यूमेरिकल हैं, थ्री टाइप्स के, तो दो वीडियोज में होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ लॉसेस हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने एटोनेशन और डिस्पर्जन डिस्कस किया था। तो एटोनेशन फुली हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे और डिस्पर्जन करना था। तो फाइबर लॉसेस में मैंने आपको बता दिया था कि टू टाइप्स का होता है, एटोनेशन और डिस्पर्जन। एटोनेशन भी थ्री टाइप्स का होता है और डिस्पर्जन भी थ्री टाइप्स का होता है। स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, बैंडिंग लॉस एटोनेशन है, और डिस्पर्जन में इंटरमॉडल डिस्पर्जन, इंट्रामॉडल डिस्पर्जन एंड वेवगाइड डिस्पर्जन। चलिए डिस्पर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल को हम डिस्पर्जन कहते हैं, कि इनपुट पे हमने जैसा सिग्नल इंसिडेंट किया आउटपुट पे हमें वैसा सिग्नल नहीं मिला। अ पल्स ऑफ लाइट सेंट इनटू फाइबर ब्रॉडन इन टाइम्स एज इट प्रोपोगेट्स थ्रू द फाइबर कॉल्ड पल्स डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर इज ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थ्रू द फाइबर। इन ऑप्टिकल सिग्नल पल्स सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इट ब्रॉडन्स इज शोन इन फिगर, अभी फिगर आएगी, एंड द परस्यू हाइट डिक्रीज ड्यू टू एटोनेशन एंड ब्रॉडनिंग टेक प्लेस ड्यू टू डिस्पर्जन। मोर द डिस्पर्जन मोर इन मोर इन इज एटोनेशन। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल दिखा रखा है, फिगर दिखा रखी है कि हमने जो है सपोज हमने मोनोक्रोमेटिक नहीं लिया, ये मोनोक्रोमेटिक सिग्नल है, यहाँ पे मल्टीपल वेवलेंथ है। तो हमने लाइट इंसिडेंट किया, सेम टाइम पे इंसिडेंट किया, तो अलग अलग पार्ट ट्रैवल करते हुए लाइट जो है आउटपुट पे अलग अलग टाइम पे रिसीव हुई, और जो सेम हमने इनपुट पे सिग्नल डाला था वैसा हमें आउटपुट पे नहीं मिला। ठीक है, तो चेंज हो गया सिग्नल, या हमने इनपुट पे सिग्नल डाला था, टू सिग्नल डाले थे तो आउटपुट पे वो ब्रॉडर होके मिले तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। सपोज यहाँ पे हमने इंसिडेंट किया दो सिग्नल, तो ये इस तरीके से ब्रॉड होके हमें मिलेगा जबकि हमने ऐसे इंसिडेंट किया था। तो ये फिगर नहीं बनाइएगा, यहाँ पे जो मैं फिगर बना रही हूँ ये फिगर बनाइएगा। क्या करेंगे, ये हमारा इनपुट एंड है, इनपुट पे हम कैसे सिग्नल डाल रहे हैं, ये एनर्जी है, तो हमने इनपुट पे ये सिग्नल इंसिडेंट किया और आउटपुट पे हमें क्या मिला, ये ब्रॉड होके मिल गए तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। तो ये बनाइएगा, तो थ्री टाइप्स का होता है ये। तो तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले होता है इंटरमॉडल डिस्पर्जन, फिर क्रोमेटिक डिस्पर्जन डिस्कस करेंगे एंड देन वेवगाइड डिस्पर्जन। तो इंटरमॉडल डिस्पर्जन क्या होता है, डिफरेंट मोड्स और लाइट रे ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड, अकर ओनली इन मल्टी मोड फाइबर। इन स्टैप इंडेक्स फाइबर the ray traveling parallel to fiber axis take less time to travel through the fiber than the ray incident on core cladding interface at critical angle, hence pulse broadener are called intermodal dispersion. The time difference between above two modes are called modal dispersion time, and intermodal dispersion is more in multimode fiber and absent in single mode fiber. तो हमने क्या क्या इनपुट पे सिग्नल इंसिडेंट किया, अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट किया, सेम टाइम पे किया बट डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट किया। तो जो फाइबर एक्सिस के अलोंग लाइट जाएगी वो अलग पार्ट ट्रैवल कर रही है, जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे हमने क्रिटिकल एंगल पे लाइट इंसिडेंट की वो अलग पार्ट ट्रैवल कर रही है, वो ज्यादा टाइम लेगी कोर के एक्सिस पे जो लाइट जा रही है उसकी कंपेरिजन में। देयरफॉर वो पहले पहुंच जाएगा जो फाइबर ऑप्टिक्स के अलोंग लाइट है, और जबकि जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वो मोर लेट रिसीव होगा। तो उसकी वजह से सेम टाइम पे भी अगर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं आउटपुट पे सेम लाइट नहीं मिलेगा, मतलब हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट भी लिया पर तो आउटपुट पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो सिग्नल है वो अलग अलग टाइम पे रिसीव होगा। तो इसको हम इंटर मॉडल डिस्पर्जन बोलते हैं, और ये किसमें होगा, मल्टी मोड फाइबर में ही होगा जब मल्टी मोड एक साथ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा क्रोमेटिक डिस्पर्जन, ठीक है। क्रोमेटिक डिस्पर्जन As given source emitted over a range of wavelength and because intrinsic property of material different wavelength take different amount of time occur in all type of material
एज अ रिजल्ट डिफरेंट वेवलेंथ इन ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू अ फाइबर विद डिफरेंट वेलोसिटी दिस रिजल्ट इन ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स एंड इट इज नोन एज क्रोमेटिक डिस्पर्जन इट डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन ट्रांसमिटेड सिग्नल तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो लाइट है मल्टीपल वेवलेंथ वाली लाइट है हमने इंसिडेंट किया इनपुट पे तो अगर सेम एंगल से भी इंसिडेंट किया तो भी वो डिफरेंट वेलोसिटी ट्रैवल करेगा क्योंकि सबकी जो वेवलेंथ है वो अलग है और वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी तो आउटपुट पे वो अलग अलग टाइम पे रिसीव होगी जब इनपुट पे सेम एंगल से इंसिडेंट कर रहे हैं उसके बाद भी आउटपुट पे वो हमें अलग अलग टाइम पे मिल रही है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी क्योंकि उनका डिफरेंट वेवलेंथ है तो वेलोसिटी डिफरेंट है तो इस तरीके के डिस्पर्जन को क्रोमेटिक डिस्पर्जन बोलते हैं इससे पहले वाले में क्या था लाइट मोनोक्रोमेटिक थी तो भी आउटपुट पे अलग टाइम पे मिल रहा था यहाँ पे कलर्स डिफरेंट हैं उसकी वजह से आउटपुट पे अलग टाइम मिल रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए तो यही तरीका है कि कोशिश करिए मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करें और सेम एंगल पे अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करेंगे तो आउटपुट पे वो सेम टाइम पे ही रिसीव होंगी अगर एंगल हमने सेम रखा है थर्ड वाला है वेवगाइड डिस्पर्शन तो ऑप्टिकल पावर एट लार्जर फ्रिक्वेंसी स्मॉलर वेवलेंथ इज कन्फाइंड मोर टुवर्ड्स द कोर एंड स्मॉलर फ्रिक्वेंसी इज मोर टुवर्ड्स द क्लैडिंग दिस लीड द ब्रॉडनिंग एंड इज नोन एज वेवगाइड डिस्पर्शन The overall effect of dispersion is broadening of pulse, which distort and attenuates the optical signal, hence restrict data transfer rate. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो waveguide dispersion है basically optical fiber के structure की वजह से होता है कि जो lower frequency के जो signal हैं वो cladding के पास ज़्यादा move करते हैं और जो larger frequency के signal हैं वो core के जो एक्सेस है उसके अलॉन्ग मूव करते हैं तो उसकी वजह से अलग अलग टाइम पे वो रिसीव होते हैं पार्ट चेंज हो जाएगा पार्ट जो है ट्रैवलिंग चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्रॉडनिंग हो जाती है एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ सिलिका जो कि अवेलेबल है अर्थ पे बहुत लार्ज मात्रा में बहुत अवेलेबल है जिसकी वजह से ये लोअर कॉस्ट है कंपैरेटिवली जो हमारे मेटल के पाइप मेटल के जो वायर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है एक्सपेंसिव है बट उनके कंपैरिजन में सस्ता है अगर वो इजीली अवेलेबल नहीं होता सिलिका तो ये और कॉस्टली हो सकते थे एज अ फ्रिक्वेंसी ऑप्टिकल सिग्नल इज लार्ज 10^14 Hz हैज अ लार्ज बैंडविड्थ इज अवेलेबल एंड मोर चैनल बिकम अवेलेबल ड्यू टू विच डाटा ट्रांसफर स्पीड इज लार्ज इसमें जो डाटा स्पीड है वो ज़्यादा होती है क्योंकि लार्ज बैंडविड्थ अवेलेबल है हमारे पास स्मॉलर लाइटर हैं फ्लेक्सिबल हैं और स्ट्रॉन्ग हैं ऑप्टिकल फाइबर क्योंकि जो डायलैक्टिक मटेरियल से मिलके बने हैं जो इन्फॉर्मेशन कैरीड हो रही है एक जगह से दूसरी जगह फोटोन की वजह से हो रही है फोटोन उनको कैरी कर रहे हैं फोटोन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और हाई वोल्टेज से अफेक्ट भी नहीं होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन या रेडियो फ्रिक्वेंसी इंट्रैक्शन जो है नेग्लिजिबल हो जाता है उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वो भी इफेक्ट नहीं कर पाती हैं कॉपर वायर के कंपैरिजन में टूटते नहीं हैं ब्रेक नहीं होते हैं क्योंकि वो जो है इजीली ओपन अप रहते हैं ये जबकि जैकेट्स में कवर्ड रहते हैं काफ़ी अच्छे से जैकेट्स में और इसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो लॉन्गर होती है कॉपर केबल से देयर इज नो क्रॉस टॉक्स इन अ सिग्नल ट्रैवलिंग इन वन केबल टू अदर केबल अगर दो केबल पास में भी आ गए ऑप्टिकल फाइबर के तो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन अगर केबल है कॉपर वायर है तो वो अगर एक दूसरे के पास आ जाए तो सिग्नल एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं इसमें ऐसा नहीं होगा एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर इज यूज इज एंड्रोस्कोपी एंजियोस्कोपी टू गेट इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स मेडिकल में बहुत यूज होता है इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज लेने के लिए ऑप्टिकल फाइबर आर यूज टू मिलिट्री एयरक्राफ्ट शिप्स tanks transmitting data they are used in cable television they are used in networking computer to jo lens hote hain usme bhi use hote hain cctv cameras mein cables mein use aate hain they are used in temperature sensors for temperature sensors mein bhi use hote hain to ye lecture yahi end karte hain optical fiber complete hua hai numericals reh gaye hain to numericals ke liye next video mein hum milenge to dekhte rahiye padhte rahiye और कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में या
कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।